Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ हमारे संविदा विधि यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्स में आज ये हमारा तीसरा व्याख्यान है जिसका शीर्षक है समझौता बनाना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अग्रीमेंट में आने वाली विशेष परिस्थितियाँ जिनका नाम है निविदाएं और नीलामी यानी कि टेंडर और ऑक्शन। इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे पहला स्टैंडिंग ऑफर दूसरा निविदा यानी कि टेंडर और नीलामी यानी कि ऑक्शन के बीच का अंतर तीसरा निविदा या बोली की वापसी जिसका तात्पर्य है विड्रॉल ऑफ टेंडर और बिड और सशर्त स्वीकृति यानी कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग ऑफर से इसे निरंतर प्रस्ताव यानी कि कंटिन्यूइंग ऑफर के रूप में भी जाना जाता है जिसका मतलब है कि स्टैंडिंग ऑफर को कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं आमतौर पर हमने अब तक यह समझा है कि आप अपना प्रस्ताव रखें सामने वाले के समक्ष यानी कि उसे ऑफर दें उस ऑफर को सामने वाला व्यक्ति स्वीकार करता है यानी कि उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है इससे एक समझौता बनता है समझौते से अनुबंध में वे दोनों व्यक्ति बंद जाते हैं स्टैंडिंग ऑफर उसके नाम में तो ऑफर है बट इस स्टैंडिंग ऑफर का मतलब सेम नहीं है जो आप ऑफर का समझते हैं ये एक अलग चीज़ है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक स्टैंडिंग ऑफर वह है जिसका उद्देश्य एक निर्धारित अवधि के लिए खुला होना है और समय सीमा से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि एक स्टैंडिंग ऑफर जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर ये चलता रहता है एक समय सीमा तक ये एक बार स्वीकार होने पर समाप्त नहीं हो जाता एक बार ये स्वीकार हुआ उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है फिर दोबारा स्वीकृति होती है फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो स्टैंडिंग ऑफर जो है वो एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में होता है वह एक केवल एक एक्सेप्टेंस से आ, एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जब किसी कंपनी को उदाहरण के तौर पर जब किसी कंपनी को समय समय पर बड़ी मात्रा में उत्पादों की आवश्यकता होती है तो वह आमतौर पर उत्पादों की आपूर्ति के लिए निविदाओं का विज्ञापन करते हैं इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी को बल्क में किसी चीज की सप्लाई की जरूरत होती है तो वे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं जिस एडवरटाइजमेंट में जिस विज्ञापन पे वे उत्पादों की आपूर्ति के लिए निविदाओं को आमंत्रित कर, आमंत्रित करते हैं जिसे हमने पढ़ा था पिछले सेशन में इनविटेशन टू ऑफर यानी कि आप विज्ञापन निकालेंगे कि आपको इन सब सामान की जरूरत है आवश्यकता है और इतने समय में दो महीना तीन महीना एक साल में आपको इतने सामान की आवश्यकता है उसके लिए आप विज्ञापन निकालते हैं और आप टेंडर यानी कि निविदा टेंडर मंगवाते हैं आमंत्रित करते हैं तो वो विज्ञापन को हम इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी उसे पढ़े और जो भी सारी चीजें जो उसमें दिए लिखे गए जो भी आवश्यकता अनिवार्य चीजें हैं उन सबकी पूर्ति करे और वो अपना ऑफर प्रस्तुत करे ऑफर यानी कि अपना टेंडर सबमिट करे इसके परिणाम स्वरूप हर बार जब भी एक नया ऑर्डर या मांग रखी जाती है तब एक नया अनुबंध बनता है हर रखी गई नई मांग का मतलब एक नई स्वीकृति के बराबर है मैं फिर से वही आपको बताती हूँ कि स्टैंडिंग ऑफर का मतलब कंटिन्यूइंग ऑफर का मतलब है कि ये ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलता रहता है ये एक बार एक्सेप्ट होने पर ख़त्म नहीं होता तो जो हम यहाँ कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हर बार जब एक नया ऑर्डर या मांग रखी जाती है तब एक नया अनुबंध बनता है इसका मतलब ये है कि जैसे मुझे अगर एक साल के बीच में Uh, करीबन हजार किलो गेहूं की आवश्यकता है मैंने उसी के लिए विज्ञापन दिया है कि हज़ार किलो गेहूं जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको बोलूं तो आप मुझे वो चीज़ जो है दे सके मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया आप उसको डिलीवर कर सके इसका मतलब ये है तो जैसे हजार किलो गेहूं की ज़रूरत है आज मैंने एक ऑर्डर दिया आपको आज मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया देख, जैसे कि चलिए सौ किलो का सौ किलो का जो मैंने पहला ऑर्डर दिया आपको आपको वो ऑर्डर मुझे डिलीवर करना ही होगा क्योंकि जैसे ही मैंने आपको ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं और जैसे ही वो एक्सेप्टेंस हुए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है क्योंकि आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया आपका जो स्टैंडिंग ऑफर था वो एक्सेप्ट हुआ है अब आपको उतनी रखी गई जो भी डिमांड है उसकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी अगर आप पूर्ति नहीं करते तो उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं यानी कि अनुबंध का उल्लंघन करना कहते हैं आपूर्ति के लिए नई मांग किए जाने से पहले स्टैंडिंग ऑफर को रद्द किया जा सकता है मैं आपको अगली आप स्लाइड में देखेंगे मैं आपको अच्छे से एक उदाहरण देकर पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी स्टैंडिंग ऑफर का अभी इस पॉइंट का मतलब आप ये समझिए कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने टेंडर जो मंगवाए हैं उसमें ये विज्ञापन में दिया है कि मुझे हज़ार किलो गेहूं की आवश्यकता है अगले एक साल के दौरान जब भी मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूं आप मुझे जितने का भी ऑर्डर प्लेस करूं जो कि हज़ार किलो के अंदर अंदर ही है किश्तों में हो सकता है तो जब जब मैं एक ऑर्डर प्लेस करूं आपको उस ऑर्डर की पूर्ति करनी है समझिए जैसे मैंने सौ किलो का पहला ऑर्डर प्लेस किया आपने उस ऑर्डर की पूर्ति करी अब इससे पहले कि मैं दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दूं, आप अपना जो टेंडर है अपना जो आपका ऑफर था आप उसको रिवोक कर सकते हैं चाहे तो जिसने टेंडर सबमिट किया है अपना टेंडर दिया वो अपना ऑफर रिवोक करे यानी कि अपना टेंडर विदड्रॉ कर ले या फिर दूसरी पार्टी जिसने वो विज्ञापन देकर टेंडर मंगवाए थे चाहे तो वो भी बोल सकते हैं कि अब ये आ, हमें और ज़रूरत नहीं है गेहूं की तो अब हमारा जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अब आपका जो ऑफर है वो वापस ले सकते हैं खत्म उसे हम कहते हैं रिवोकेशन रिवोकेशन का मतलब चाहे जिसने टेंडर मंगवाया चाहे जिसने टेंडर सबमिट किया अगला ऑर्डर प्लेस होने से पहले दोनों में से कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति उस टेंडर को रिवोक कर सकता है लेकिन अगर पहले से ही मांग रख दी गई है तो कोई निरसन यानी कि रिवोकेशन संभव नहीं है और मांग का अनुपालन ना करने से अनुबंध का उल्लंघन दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मतलब यही पहला ऑर्डर प्लेस हुआ आपने उसकी पूर्ति करी दूसरा ऑर्डर प्लेस हुआ तो आपको उसकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी तीसरा ऑर्डर प्लेस होने से पहले आप रिवोक कर सकते हैं पर अगर आपने रिवोक जो किया रिवोकेशन जो किया वो दूसरा ऑर्डर प्लेस करने के बाद किया है सामने वाले ने दूसरा ऑर्डर आपको दे दिया है कि भाई हमें 200 200 किलो और गेहूं की जरूरत है जो आप इस तारीख तक हमें दीजिए वो अगर ऑर्डर पूरा किए बिना आप अगर रिवोक करते हैं या उस ऑर्डर को पूरा करने से मना कर देते हैं तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि आपने अनुबंध का उल्लंघन किया है यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्यों क्योंकि जो स्टैंडिंग ऑफर है मैं फिर से आपको बोलती हूँ एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसा है वो तो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस एक समझौता एक अनुबंध ये सीरीज है एक से ज्यादा है एक ऑर्डर उसको पूरा कीजिए दो ऑर्डर उसको पूरा कीजिए तीसरा प्लेस हो उससे पहले आप उसको रिवोक कर लीजिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर रिवोक किया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है क्यों क्योंकि जैसे ही नया ऑर्डर दिया गया एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अब अगर सिंपल है अगर आपको अनुबंध के अंतर्गत कोई ऐसा वादा आपने किया हुआ है जो आपको पूरा करना है वादा किए बिना अगर आप कहते हैं कि नहीं अब आप इस अनुबंध से बंधे नहीं रहना चाहते आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में अब नहीं रहना है तो उस सिचुएशन में भी इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है क्योंकि आपने अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में या अनुबंध में बंधने का डिसाइड किया था आप बंध गए अब अगर आप पीछे हटते हैं तो कहा जाता है कि आपने अनुबंध का उल्लंघन किया है या अनुबंध में दी गई किसी भी आ, कोई भी वादे का की पूर्ति ना करके उसका उल्लंघन किया है और आपको कोर्ट में दूसरा व्यक्ति जिसके आ, अगेंस्ट आपका ये फैसला जा सकता है वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा कोर्ट में प्रार्थना करेगा कि कोई कानूनी उपचार से उसके सम, उसके जो भी मसला है उसका समाधान हो यानी कि जो आपके किया जो आपके द्वारा किया गया वादा है आपने उसे पूरा नहीं किया तो अब आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी कोर्ट ये बोल सकता है अब मैं आपको ये आपको इसलिए स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल समझाऊंगी जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्टैंडिंग ऑफर का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक कंपनी है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक विज्ञापन निकाला और उस विज्ञापन में ये मांग रखी गई है यह कहा गया है कि उन्हें अगले तीन महीने के अंदर अंतर्गत अगले तीन महीने के अंतर्गत समझिए 500 किलो चावल 500 किलो चावल की आवश्यकता होगी और जैसे जब और जैसे इफ एंड व्हेन ऑर्डर प्लेस किया जाएगा आपको उस ऑर्डर की पूर्ति करनी होगी इफ एंड व्हेन ये याद रखना बहुत जरूरी है इफ एंड व्हेन मतलब कि जब जब भी एक ऑर्डर प्लेस किया जाएगा जो कि 500 किलो के अंदर अंदर ही होगा तो आपको उसकी पूर्ति करनी है इफ एंड वेन का मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स में मांगी जा सकती है चीज जरूरी नहीं पांच सौ किलो चावल एक ही साथ मांगा जाए अब आपने वाई वाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना टेंडर सबमिट किया अपना टेंडर सबमिट किया उस विज्ञापन को पढ़ा और सारी जो भी कंडीशंस थी सबकी पूर्ति करते हुए अपना टेंडर सबमिट किया है अब सोचिए कि उसका टेंडर जो था वो एक्सेप्ट हो गया वो स्वीकार हो गया है ठीक है तो अब एक्स और वाई के बीच में जो है वो एक स्टैंडिंग ऑफर बन गया है एक स्टैंडिंग ऑफर है एक्स वे व्यक्ति है जिसने टेंडर मंगवाया था उसने पहला ऑर्डर प्लेस किया कि उसने ये कहा कि चलिए आप उनतीस फरवरी को आप मुझे आ, दो सौ किलो चावल डिलीवर करेंगे अब वाई की ड्यूटी है जैसे ही देखिए मैंने आपको बताया था जैसे ही उसका टेंडर एक्सेप्ट हो गया तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन बन गया जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं ये नहीं कि उसने टेंडर सबमिट किया तो ऑफर था सामने वाले ने एक्सेप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं टेंडर एक्सेप्ट हुआ वो बना स्टैंडिंग ऑफर अब पहला ऑर्डर जब उसने प्लेस किया तो वो बना वो एक एक्सेप्टेंस है और जैसे ही एक्सेप्टेंस दी गई बन गया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अब एक्स ने यह ऑर्डर पूरा कर दिया वाई ने उनतीस फरवरी को जो देना था 200 किलो चावल दे दिए अब दूसरा दूसरी मांग रखी गई दूसरा ऑर्डर प्लेस किया गया जिसमें यह बोला गया कि 15 मार्च को आप मुझे और 100 किलो चावल देंगे अब वाई अगर दो सिचुएशन है देखिए वाय पहला फिर मैं ये बताऊं कि यह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जैसे ही दूसरी एक्सेप्टेंस दी गई हर ऑर्डर जो प्लेस किया जाता है वो एक फ्रेश एक्सेप्टेंस या एक नई स्वीकृति होती और जैसे ही एक नई स्वीकृति होती है एक नया अनुबंध बनता है अब जब ये दूसरा ऑर्डर प्लेस किया गया जो पंद्रह मार्च का है अब यह सोचिए कि वाई वाई के ऊपर वाई की ड्यूटी बन जाती है कि उसको वो ऑर्डर पूरा करना ही है मतलब कि ये सौ किलो जो चावल है उसको वो देने ही है पर अब वाई अगर ये डिसाइड करे पहला है कि उसको पूरा करना ही है क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया दूसरा ये है कि वाई ने सोचा कि अब मुझे ये बड़ा घाटे का सौदा है मेरे लिए मैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे अनुबंध में बंधे नहीं रहना चाहता मैं अपना टेंडर वापस लेना चाहता हूँ विदड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो अपना टेंडर जो है वे ड्रॉ कर लेता है अब मैंने आपको बताया दूसरा जो ऑर्डर है प्लेस हो चुका है दूसरा ऑर्डर प्लेस नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया नया कॉन्ट्रैक्ट आया आपने डिसाइड किया कि आप उसको नहीं पूरा करेंगे मतलब कि आप एक अनुबंध का उल्लंघन कर रहे हैं यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अब इसको थोड़ा सा और ठीक करते तो हमने बताया था वापस चल रहे हैं अब हम हमने बताया कि दूसरा जो ऑर्डर है वो पंद्रह मार्च के लिए रखा गया यानि कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसके अंतर्गत पंद्रह मार्च को बाकी के सौ किलो चावल डिलीवर करने थे अब वाई ने उसे भी पूरा कर दिया वाई ने वो सौ किलो भी पंद्रह मार्च को डिलीवर कर दिए अब पाँच सौ किलो था तीन सौ किलो डिलीवर हो चुका है अभी 200 किलो बचता है अब इससे पहले कि एक्स जो है वो तीसरा ऑर्डर मा, तीसरी मांग रखता या तीसरा ऑर्डर प्लेस करता वाई अपना जो टेंडर है उसको वापस ले लेता है क्या वाई ऐसा कर सकता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑर्डर प्लेस होने से पहले अगर आप में दोनों में देश, दोनों पार्टी में से कोई भी दोनों व्यक्ति में से कोई भी अगर अपना टेंडर वापस ले ले या फिर अपनी एक्सेप्टेंस जो है टेंडर की वो वापस ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्यों क्योंकि मैंने बताया कि टेंडर उसने सबमिट किया टेंडर खुले उसका टेंडर एक्सेप्ट हुआ क्या हुआ स्टैंडिंग ऑफर बना है स्टैंडिंग ऑफर के बाद जब जब एक नई मांग रखी जाएगी तब तब एक नई फ्रेश एक्सेप्टेंस होगी और तब-तब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा मतलब कि स्टैंडिंग ऑफर का मतलब है एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं जैसे-जैसे फ्रेश एक्सेप्टेंस वैसे-वैसे नया कॉन्ट्रैक्ट तो जब नई मांग रखी जाने से पहले दोनों में से कोई भी अगर रिवोक कर देता है रिवोकेशन कर लेता है तो उसका मतलब सिंपल है कि कोई ब्रीच नहीं हुआ क्यों क्योंकि एक्सटेंडिंग ऑफर था उसी को ही वापस लिया गया है यहां वापस किया गया है एक बहुत ही लैंडमार्क इम्पोर्टेंट केस है जो आपको स्टैंडिंग ऑफर के बारे में बताता है आपने अगर मेरे द्वारा दिया गया उदाहरण समझा तो आपको ये केस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा देखते हैं ये केस किस बारे में था केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदाला थथैया उन्नीस का सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया केस है यह एक निविदा यानी कि सबसे पहले तो ये बताया गया कि एक टेंडर में होता क्या है तो एक निविदा यानी कि टेंडर माल की आपूर्ति करने या किसी विशेष कार्य के करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव है यानी कि फॉर्मल ऑफर है माल की आपूर्ति करने यानी कि कोई गुड्स को कोई सामान को डिलीवर करने या किसी विशेष कार्य यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक फॉर्मल ऑफर है और उस कीमत का एक विवरण है डिस्क्रिप्शन है डिटेल है, जो आप आपकी कंपनी चार्ज करेगी। अब अब हम आते हैं यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अदालत हथैया यहाँ पे अब इसमें जो रेलवे थी आप यहाँ पे है कि जो रेलवे कॉरपोरेशन था गवर्नमेंट की समझिए, उन्होंने एक टेंडर इनवाइट किया उन्होंने विज्ञापन निकाला टेंडर मंगवाए उस टेंडर के अंतर्गत उन्होंने मंगाया 14,000 हजार ऑफ गुड़ जैगरी यानी गुड माउंट का क्या मतलब है माउंट भी मेजर करने के लिए नापने के लिए तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यूनिट था तो एक माउंट सैतीस थर्टी सेवन पॉइंट थ्री टू फोर टू किलो के बराबर होता है अब हम माउंट माउंट नहीं बोलते पर एक समय पर तोलने के लिए माउंट तो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था एक माउंट यानी कि 37.3242 सेवन तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो हमारी रेलवे की जो ग्रेन जो अनाज की दुकानें हैं वहाँ पे हमें 14,000 हजार माउंट ऑफ गुड़ की आवश्यकता है तो उसके लिए टेंडर मंगवाए गए टेंडर जब मंगवाए गए तो मदाला थथैया ने भी टेंडर सबमिट किया उसका टेंडर एक्सेप्ट हो गया अब जो टेंडर विज्ञापन था जो टेंडर की कंडीशंस थी उनमें एक चीज ये थी जो आप यहाँ सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं निविदा फॉर्म में एक नोट था एक कंडीशन बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन इस केस को लेके लिखी लिखी गई थी वो उसके अनुसार यह या प्रशासन यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन अनुबंध के कार्य के दौरान यानी कि ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य है किसी भी स्तर पर कभी भी अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यानी कि आप ठीक है आपका टेंडर अगर एक्सेप्ट भी हो जाता है हम ये टेंडर किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी स्टेज पर रद्द कर सकते हैं, मतलब कि आगे के लिए जो भी अगर आ, आ, पूरा का पूरा गुड़ अगर नहीं भी डिलीवर हुआ नहीं ऑर्डर प्लेस हुआ जो भी होगा सिचुएशन कभी भी हम वो टर्मिनेट कर सकते हैं उस अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं और हमारे खिलाफ आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते कोर्ट नहीं जा पाएंगे उन्होंने ये कंडीशन जो है टेंडर फॉर्म में रखी टेंडर मदाला थत्या का एक्सेप्ट हुआ अब दोनों पार्टियों के बीच में कुछ कुछ कम्युनिकेशन हुआ पहला जब ये कॉरपोरेशन जो थी रेलवे की उन्होंने जब मदाला ततया को इन्फॉर्म किया उस तक कम्युनिकेशन भेजा कि उसका टेंडर एक्सेप्ट हुआ उसके बाद टेंडर जब एक्सेप्ट हुआ तो उसको ये बोला गया कि जो बाकी की कंडीशंस है आप वो कंप्लीट करो जो फॉर्मेलिटी जिससे हम कहते हैं वो आप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद फिर हम आगे ऑर्डर प्लेस करेंगे जिसकी आपको आपूर्ति करनी पड़ेगी तो जो भी कंडीशन थी जो भी था वो सब अदालत अत्या ने पूरा किया पर अब तीसरा जो ए, एक और पत्र जो इस कॉरपोरेशन द्वारा अदालत थत, अत्या को लिखा गया उसमें क्लियरली ये चीज लिखी थी कि चार चार अलग अलग तारीख मेंशन थी पहली तारीख दूसरी तारीख तीसरी और चौथी क्लियरली मैंशन थी और उन चारों तारीखों में कितना कितना गुड़ मदाला ततैया को डिलीवर करना है वो भी मैंशन था वो भी लिखा हुआ था लिखित में था सब कुछ जैसे कि और 14,000 हजार माउंट्स को इन्होंने साढ़े तीन हजार साढ़े तीन हजार करके चार किश्तों में डिवाइड कर दिया और पहले से ही सारा ऑर्डर एक साथ प्लेस कर दिया ठीक अब ये चार ये चार ऑर्डर पूरे भी नहीं हुए थे कि रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट जो मदाला थतैया को दिया था जो टेंडर उसका एक्सेप्ट किया था उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते ये बोलते हैं कि उस टेंडर को अब उस टेंडर के अंदर जो दी गई कंडीशंस थी उनको अब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उन्होंने सिंपल ये कहा कि भाई अब हमें इस गुड़ की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपना टेंडर कृपया वापस ले लीजिए तो क्यूं? हमने निविदा फॉर्म में एक नोट पहले से ही लिखा हुआ था और आपने उसको आ, उसको स्वीकार किया तभी आपने वो सब कुछ जानते हुए अपना टेंडर जो है हमें सबमिट किया था अब हमें इस गुड़ की आवश्यकता नहीं है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तो मदाला थतिया कोर्ट के पास पहुंचा जब मदाला थतिया कोर्ट पहुंचा तो अब ये था कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि कोई अनुबंध बन चुका था या अभी तक वो एक स्टैंडिंग ऑफर ही था कोर्ट ने बोला जैसे ही उस पत्र के थ्रू उस पत्र से जब ये चार ऑर्डर एक साथ प्लेस कर दिए गए वो चारों ऑर्डर प्लेस करते ही अनुबंध आ चुका था अनुबंध बन चुका था कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था तो अब कंडीशन तो थी ये नोट तो डला हुआ था बट ये नोट जो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो 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 ये जो राइट जो के पास था कि वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं वो राइट अब उनके पास इस स्टेज पे नहीं था जहां उन्होंने पहले से ही चारों ऑर्डर प्लेस कर दिए हमने पिछले जब उदाहरण जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने यही बताया आपको कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है एक नई एक्सेप्टेंस है एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहाँ पर उन्होंने चारों एक साथ ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं एक पूरा पक्का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर आप पीछे हटते हो तो उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो रिवोकेशन नहीं है वो ब्रीच हो चुका है मतलब आपने अनुबंध का उल्लंघन कर दिया है अब आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी इस मामले में रेलवे ने अपनी अनाज की दुकानों में गुड़ की सप्लाई के लिए टेंडर मंगवाए थे निविदा फॉर्म में शर्त शर्त मौजूद थी। यानी कि ये जो कंडीशन थी कि प्रशासन कभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और उसकी उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी ना ही बचे हुए गुड़ को लेकर ना ही बचे हुए गुड़ के पैसों को लेकर गुड़ की पूरी मात्रा का ऑर्डर देने के बावजूद मैंने आपको बताया चारों ऑर्डर दे दिए गए थे देने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन ने अनुबंध रद्द कर दिया अब अनुबंध जब रद्द कर दिया तो कोर्ट ने सिंपल बोला कि भाई अनुबंध तो बन चुका था कॉन्ट्रैक्ट आ चुका था चारों ऑर्डर प्लेस्ड है तो अब आप पीछे नहीं हट सकते आपको सारी डिलीवरी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आप नहीं करते तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एक केस है जिसका नाम है टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ उस केस में उस मामले में यह कहा गया है कि निविदा एक प्रस्ताव है निविदा प्रस्ताव का आमंत्रण नहीं है जब आप विज्ञापन देकर प्रस्ताव मंगवा रहे ये निविदा मंगवा रहे आमंत्रित कर रहे हैं वो एक इनविटेशन टू ऑफर है और निविदा टेंडर जो है वो एक ऑफर है मोटे तौर पर कहा गया है कि एक वैध निविदा की आवश्यकताएं निम्न लिखित है, है। यानी कि एक टेंडर की ये ये रिक्वायरमेंट्स है ये ये जरूरतें हैं हम एक बार देख लेते हैं ये सब क्या है पहला यह बिना किसी शर्त के होना चाहिए यानी कि अनकंडीशनल होना चाहिए उचित जगह पर बनाया जाना चाहिए प्रॉपर प्लेस दायित्व की शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए यानी कि जो कॉन्ट्रेक्टल ऑब्लिगेशन टर्म्स है वो सब क्लियर होनी चाहिए चौथा उचित उचित समय पर बनाया जाना बनाया जाना जाना चाहिए चाहिए प्रॉपर टाइम रूप में जिस व्यक्ति द्वारा निविदा दी गई है यानी कि टेंडर सबमिट किया गया है वह अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम और इच्छुक होना चाहिए अब हम जब भी वैसे भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं बात करते हैं हम सेक्शन टेन धारा दस भारतीय संविदा अधिनियम के बारे में जब बात करते हैं तो के वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि फ्री कंसेंट मतलब आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप किसी के साथ कोई समझौता कर रहे हैं जो बाद में जाके अनुबंध बनता है तो आप पूरे होशो आवाज में रहकर ये कर रहे हैं आप किसी को कोई वादा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में यही है कि आप उस वादे को पूरा भी करेंगे निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के लिए उचित अवसर होना चाहिए निविदा उचित व्यक्ति को की जानी चाहिए यह पूरी राशि का होना चाहिए अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्योंकि हमारा ये पूरा जो व्याख्यान है ये पूरा सेशन जो लेक्चर है ये ऑक्शन और टेंडर के बारे में ही है ये सिर्फ ऑक्शन और टेंडर के बारे में ही बता रहा है डिस्कस कर रहा है आपको जानकारी दे रहा है तो अब हमें यह जानना भी जरूरी है कि टेंडर और ऑक्शन यानी कि निविदा और नीलामी के बीच में क्या अंतर है निविदाए कि निविदा यानी कि टेंडर जो है वो एक तरह का सेल है जिसमें खरीदार सीधे विक्रेता को सील बंद बोली प्रस्तुत करते हैं यानी कि जो आप टेंडर में अपना प्राइस जो है काम करने का या गुड्स डिलीवर करने का जो कोट करते हैं प्राइस वो एक सील बंद लिफाफे में सौंपा जाता है उसी व्यक्ति को जिसने टेंडर मंगवाए हैं उसको सील बंद लिफाफे में सौंपा जाता है एक बार निविदा जमा करने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद विक्रेता विजेता बोली का चयन करता है और विजेता को सूचित करता है यानी कि जितने भी निविदाएं जितने भी टेंडर सबमिट होते हैं उन सब को एक तारीख एक किसी एक तारीख पर सबको खोला एक जिस डिसाइडेड जो डेट होती है एक तारीख होती है उस पर सबको खोला जाता है और कोई किसी एक निविदा का चयन होता है जो सारी सारी जो सारी सारी कंडीशंस आवश्यकता आवश्यकताएं हैं सबकी पूर्ति करता है नीलामी के विपरीत निविदा निविदाकार यानी कि टेंडरर जो टेंडर सबमिट कर रहा है किसी भी अन्य बोली को नहीं देख सकता है जो रखी गई है देखिए जब नीलामी होती है तो सब लोगों को पता होता है कि किस सामने वाले ने क्या बोली दी है क्यों क्योंकि एक नीलामी में ऑक्शन में पहले जो कोई व्यक्ति बोली देता है दूसरा व्यक्ति उससे अधिक बोली देता है ताकि वो चीज़ वो प्रॉपर्टी या वो जो भी वस्तु है वो उसे मिल सके तो एक कंपटीशन के जैसा रहता है जबकि टेंडर में सील बंद लिफाफे में सब व्यक्ति बिना जाने की सामने वाले या दूसरे किसी व्यक्ति ने क्या बोली दी है या क्या बिड करी है कोट करी है क्या अमाउंट कोट किया है बिना जाने सब अपना अपना टेंडर जो है वो ये निविदा जो है वो सबमिट करते हैं अब उसका आगे एक डेट पर एक तारीख पे वो सब खुलता है कोई नहीं जानता कि सामने वाले ने क्या क्या प्राइस कोट किया हुआ है क्या कोटेशन दी है या क्या अमाउंट बताया हुआ है और ये बिल्कुल विपरीत है एक नीलामी के नीलामी का अर्थ है किसी ऐसी चीज के लिए एक विशेष राशि की पेशकश जिसे हम बिडिंग बोलते हैं बिड पेशकश करना जो बिक्री के लिए है और इसे खरीदने के लिए अन्य लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना अब प्रतिस्पर्धा ही है ये एक तरह की क्यों क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे चार लोग हैं, सामने ऑक्शनियर है वो नीलामी कर रहे हैं किसी एक वस्तु की समझ लीजिए कोई पेंटिंग है कोई बहुत ही बढ़िया आलिशान पेंटिंग है बहुत ही एक महान पेंटर के द्वारा बनाई गई और वहां पर उस ऑक्शन में नीलामी में चार लोग हैं उपस्थित है पहले ने एक बोली रखी बोली दी लगाई उस पेंटिंग के लिए एक दूसरे व्यक्ति ने उससे ज्यादा बोली लगाई तीसरे ने उससे भी ज्यादा चौथे ने उससे भी ज्यादा यानी कि सबसे अधिक बोली लगाई उस नीलामी में उस पेंटिंग को पाने के लिए तो नीलामी में क्या होता है जनरली क्या रूल रहता है कि जो सबसे ज्यादा सबसे अधिक बोली लगाता है वो चीज वो वस्तु या वो प्रॉपर्टी उसी को ही मिलती है तो एक तरह का कंपटीशन है कि सामने वाले ने जो बोली लगाई मैं उससे भी ज्यादा बोली लगाऊं प्रतिस्पर्धी बोलियां यानी कि कॉम्पिटिटिव बिड्स लगाई जाती हैं जाहिर सी बात है पहले व्यक्ति ने एक बोली लगाई आप उससे कम तो लगाएंगे नहीं आप उससे ज्यादा ही लगाएंगे इसीलिए कॉम्पिटिटिव बिड्स लगाई जाती हैं आमतौर पर एक नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले को संपत्ति मिलती है मैंने अभी आपको यही चीज बताई जबकि एक निविदा में विक्रेता सबसे अच्छे प्रस्ताव का चयन करता है काफी कंडीशंस होती है जब एक टेंडर मंगवाया जाता है काफी कंडीशंस होती है जो सब जो इंसान या जो व्यक्ति या जो टेंडर वो सारी कंडीशंस की पूर्ति करता है वो टेंडर एक्सेप्ट होता है जरूरी नहीं कि वो सबसे कम पैसा मांग रहा हो आपसे आपका काम करने के लिए आपकी सारी दी गई कंडीशन वो एक्सेप्ट कर रहा है चाहे बाकी से थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी मांग रहा हो तब भी वो टेंडर एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि टेंडर एक्सेप्ट करने के लिए निविदा की स्वीकृति के लिए ये जरूरी है कि जो भी आपने कंडीशन तय की थी जिस जिस भी इंसान ने निविदा आपको दी टेंडर सबमिट किया ऑफर दिया उसने वो सारी कंडीशंस पूरी करी हैं नीलामी में क्या है सारे लोग बोलियां लगाते हैं जिसकी सबसे ज्यादा बोली उसको वो चीज मिल जाती है नीलामी और बोलियों में प्रस्ताव के लिए निमंत्रण यानी कि इनविटेशन टू ऑफर प्रस्ताव यानी कि ऑफर और स्वीकृति का क्या महत्व है अभी मैं आपको ये बताती हूँ मैंने आपको शुरू में ही आज के व्याख्यान में शुरू में शुरुआत में ये चीज बता दी कि जब आप जब कोई व्यक्ति एक विज्ञापन निकालते हैं एक इश्तहार देता है अखबार में जिसमें वो टेंडर मंगवा रहा है टेंडर आमंत्रित करता है तो वो उसको हम इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं उसी तरह से नीलामी जब आप लोगों को नीलामी के बारे में सूचना देते हैं उन्हें बताते हैं कि किसी एक तारीख को नीलामी होगी जिसमें ये वस्तु बेची जाएगी या ये प्रॉपर्टी की बिक्री की जाएगी तो उस सूचना को जब आप देते हैं दूसरों के आ, दूसरों तक पहुंचाते हैं उसको इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं जब नी, जब जब हम अगर मैं ये बोलूं कि आ, एक टेंडर में जब टेंडर सबमिट हुआ वो टेंडर एक ऑफर है उसी तरह से एक ऑक्शन में यानी कि नीलामी में जब आपने बिड करी बोली लगाई तो वो भी एक ऑफर है आपके द्वारा दिया गया अब सामने वाले ने आपका टेंडर एक्सेप्ट किया टेंडर खोला सबसे अच्छा टेंडर आपका था जो सारी कंडीशंस पूरी कर रहा था तो उस सिचुएशन में आपका टेंडर उसने एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्टेंस आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई आपका टेंडर सारी कंडीशन पूरी कर रहा है हमने आपका टेंडर एक्सेप्ट किया है एक्सेप्टेंस हुई और ऑक्शन के केस में जब सारे लोगों ने अपनी अपनी बोलियां लगाई नीलामी में तो जिसकी बोली किसी एक की बोली उनमें से स्वीकार की जाएगी आपने देखा होगा नीलामी में एक हैमर हथोड़े है जैसा होता है जो जैसे ही सबसे अत्यधिक बोली लगाई जाती है उसके बाद कोई और बोली नहीं लगाई जाती वो हैमर या थोड़ा जो है वो नीचे टेबल पे मारा जाता है जिसका मतलब ये है कि आपके द्वारा दी गई बोली सबसे ज्यादा है और ये वस्तु या ये प्रॉपर्टी या ये चीज आपकी हुई उसे भी एक्सेप्टेंस कहते हैं वो हैमर मारना उसे हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं निविदा या बोली की वापसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जानना समझना जरूरी है निविदा या बोली की वापसी यानी कि टेंडर या बिड जो आप ऑक्शन में लगाते हैं वो बिड है बोली है निविदा या बोली की वापसी प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति अपनी स्वीकृति की सूचना दिए जाने से पहले अपना प्रस्ताव या निविदा वापस लेने का हकदार है एंटाइटल्ड है मतलब जो हमारी भारतीय संविधा अधिनियम है वो हर उस व्यक्ति को अधिकार देती है जिसने एक जिसने सामने वाले के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि इससे पहले उस प्रस्ताव की स्वीकृति हो वो अपने द्वारा दिया गया प्रस्ताव वापस ले ले जिसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा लगाई गई बोली या मेरे द्वारा सबमिट किया गया निविदा यानी कि टेंडर इससे पहले कि उसको एक्सेप्ट किया जाए स्वीकार किया जाए मेरे पास हक है कानूनी हक है कि मैं अपने द्वारा लगाई गई बोली वापस ले लूं या मैं अपने द्वारा दिया गया निविदा यानी कि सबमिट किया गया टेंडर वापस ले लूं जिसे हम कहते हैं रिवोकेशन और कानून ही हमें यह हक देता है कि इससे पहले उसकी स्वीकृति हो हम उसे रिवोक कर सके अब सरकार केवल निविदा सूचना में एक खंड प्रदान करके याचिकाकर्ता के उस कानूनी अधिकार को छीन नहीं सकती है यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर पर मैंने दूसरे पॉइंट पर एक एक केस का नाम लिखा है जिसका नाम है राजेंद्र कुमार वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य ये जजमेंट जो है ये मध्य प्रदेश के कोर्ट का है और इसमें यही हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार ने टेंडर्स मंगवाए एक इश्तेहार दिया जिसके थ्रू उन्होंने टेंडर्स मंगवाए तो राजेंद्र कुमार वर्मा भी उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने वो विज्ञापन देखा और अपना टेंडर सबमिट किया जो टेंडर था वो था इन रिलेशन टू सेल ऑफ तेंदु लीव्स तेंदु लीव जिससे वो बीड़ी बनती है वो उन पत्तियों की सेल को लेके ये टेंडर मंगवाया गया था अब क्या हुआ अब मैं आपको पहले इससे पहले और बताऊं केस के बारे में अगर ये लास्ट पॉइंट एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं फिर इस केस के डिटेल्स पे मैं वापस आऊंगी इस मामले में निविदा शर्तों में से एक शर्त के तहत एक निविदा करता को उस डिवीजन की निविदाओं के खुलने के शुरू होने से पहले डिवीजन के किसी भी इकाई की अपनी निविदा वापस लेने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि शेष निविदाएं खोलने पर यानी कि सारे टेंडर्स खोलने पर उस विशेष इकाई के सभी प्रकार से से पूर्ण कम से कम एक निविदा उपलब्ध होनी चाहिए मतलब मैंने आपको अभी बताया कि जो टेंडर विदड्रॉ करना या अपनी बिड विदड्रॉ करना रिवोक करना इसका हक जो मुझे है वो कानून देता है मेरे पास राइट है भारतीय संविदा अधिनियम के तहत मेरे पास राइट है कि मैं रिवोक कर सकूं अब इस केस में क्या हुआ राजेंद्र कुमार वर्मा बना मध्य प्रदेश में फैक्ट्स ये थे कि राजेंद्र कुमार वर्मा ने भी अपना टेंडर सबमिट किया इससे पहले कि जो तय की गई तारीख थी जिसमें सारे आए गए टेंडर खुलने थे और एक टेंडर एक्सेप्ट होना था उस तारीख से पहले ही राजेंद्र कुमार वर्मा ने अपना खुद को जो कानूनी हक जो उसके पास था रिवोक करने का उसने अपना टेंडर विदड्रॉ कर लिया उसने एक चिट्ठी पत्री के द्वारा आ, सरकार तक ये जानकारी पहुंचा दी कि अब उसका टेंडर जो है वो वापस ले रहा है और उस टेंडर को कंसिडर ही ना किया जाए उस टेंडर को खोला ही ना जाए क्योंकि अब वो टेंडर खत्म एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने वापस ले लिया है पर ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई जो आपने यहाँ लास्ट पॉइंट पे पढ़ी है उस कंडीशन के अनुसार ये लिखा गया है कि आपका जो ये जो राइट है जो आपके पास ये हक है कि आप अपना जो ऑफर है वो विदड्रॉ कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले अब सरकार ने इस कंडीशन के द्वारा उस हक के ऊपर उस हक हक को एक्सरसाइज करने के लिए उसके ऊपर एक शर्त लगा दी वो शर्त यह थी कि आप ये हक आपका आपको तभी दिया जाएगा या आप अपना ऑफर जो है वो सिर्फ तभी विद्रॉ कर सकते हैं जब आपके साथ आए गए और भी टेंडर्स है और उन सब टेंडर्स को खोलने के बाद आपके अलावा कोई कम से कम एक टेंडर और ऐसा हो जो सारी कंडीशंस की पूर्ति कर रहा है और जिस टेंडर को एक्सेप्ट किया जा सकता है ये चीज है तो यहां पर मजे की बात देखिए क्या किस्मत थी कि राजेंद्र कुमार वर्मा का ही इकलौता टेंडर था जो सबमिट हुआ किसी और ने टेंडर ही नहीं सबमिट किया एक ही निविदा आई एक ही टेंडर आया एक ही ऑफर आया वो था राजेंद्र कुमार वर्मा का अब क्योंकि वो एक ही टेंडर था तो अपनी इस कंडीशन को जो जो कंडीशन सरकार ने रखी थी उस कंडीशन की पूर्ति करते हुए राजेंद्र कुमार वर्मा का ये हक जो था विद्रॉ करने का ऑफर या उसका जो राइट था टू विदड्रॉ हिज टेंडर वो वापस ले लिया क्यों क्योंकि उनके शर्त के अनुसार अगर अगर कोई और टेंडर नहीं है जो सारी कंडीशंस की पूर्ति करता है तो आप रिवोक नहीं कर सकते आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपना टेंडर यानी कि ऑफर अब सरकार ने राजेंद्र कुमार वर्मा को सूचना दी कि आपका टेंडर एक्सेप्ट हो गया है तो आपको अब जो भी जो भी कंडीशंस है जो भी अभी रिक्वायरमेंट्स है आपको वो फुलफिल करनी पड़ेंगी और आप ये जो हमारे बीच में जो डीड है यानी कि जो डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो सब काम अब होगा जो भी लिखित में है वो सब होगा अब। राजेंद्र कुमार वर्मा ने सरकार को वापस से लिखा कि देखिए मैंने तो विद्रॉ कर लिया था मेरा तो टेंडर अब है ही नहीं आपने क्या स्वीकृति क्या स्वीकृति की सूचना दी मुझे मेरा तो टेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता मैंने तो विद्रॉ कर लिया था पर सरकार ने बोला नहीं हमारी कंडीशन के अनुसार और कोई टेंडर आया ही नहीं तो आपका टेंडर एक्सेप्ट किया गया है अब आपका टेंडर एक्सेप्ट किया गया है तो राजेंद्र कुमार वर्मा ने तो मना कर दिया कि नहीं तो सरकार ने एक काफी भारी भरकम अमाउंट की उसको चपत लगा दी और जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा था उसे भी जब्त कर लिया अब राजेंद्र कुमार वर्मा जी पहुंचते हैं कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक रिट पटिशन डालते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मुझे कानून एक हक प्रदान करता है और मैंने उस हक को ही उस हक का ही एक इस्तेमाल किया है और अपना टेंडर वापस लिया और एक्सेप्टेंस हुई नहीं थी टेंडर्स खुले नहीं थे अभी तक पर इन्होंने तब भी मेरा टेंडर खोला और तब भी मुझ पर इतने भारी अमाउंट की चपत लगा दी जो कि सही नहीं है तो उसने प्रार्थना करी कोर्ट में कि कोर्ट भी ये चीज बोल दे या ये निर्णय दे कि उनके बीच में कोई अनुबंध बना ही नहीं क्योंकि समय पर ही राजेंद्र कुमार वर्मा ने अपने द्वारा दिया गया टेंडर जो था वो वापस ले लिया विड्रॉ कर लिया अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया तो यही हुआ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राजेंद्र कुमार वर्मा के हित में ही डिसीजन दिया और वो डिसीजन ये था कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जो हमारा सबसे पहला सेशन था सबसे पहला जो लेक्चर था मैंने आपको जो दिया था जनरल जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था सामान्य परिचय जब दिया था इस सब्जेक्ट के ऊपर ही तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब हम टॉट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं जब ये देखते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है तो सबसे पहला अंतर हम ये भी बोलते हैं कि टॉट में जो ड्यूटीज है वो पार्टी नहीं डिसाइड करती वो कानून डिसाइड करता है कि आपको किस तरह से सामने वाले के साथ व्यवहार करना है कैसे उसके राइट्स के अगर उसके पास राइट है तो आपके पास ड्यूटी है कि आपको उसके राइट को नहीं आ, कुछ आपको इंटरफेयर करना है उस राइट के अगेंस्ट ये सब टॉट्स में पर जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है वहां पर मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बताई थी कि पार्टीज जो है वो जो सारी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं या जो सारी शर्तें हैं उस अनुबंध के तहत वो मिलकर डिसाइड करते हैं बस एक चीज का ध्यान रखना होता है वो ये है कि वो शर्तें जो हैं उस अनुबंध में लिखी गई वो कानून के खिलाफ नहीं होनी चाहिए कानून के दायरे के बाहर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर वही हुआ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यही बोला कि देखिए आपने टेंडर सबमिट किया लॉ कहता है कानून कहता है कि इससे पहले उस टेंडर की स्वीकृति हो उस निविदा की स्वीकृति हो आपके पास पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी उस सबमिटेड टेंडर को या अपने द्वारा दिए गए प्रस्ताव को जो कि टेंडर के रूप में है उसे वापस ले सकते हैं और यहां पर वही हुआ है राजेंद्र कुमार वर्मा ने वही काम किया उसने इससे पहले की सारे टेंडर्स खुलते और उसका टेंडर एक्सेप्ट होता उसने अपना टेंडर वापस ले लिया पर पर सामने वाली पार्टी ने शर्त के शर्त के तहत उसे ये नहीं करने दिया और उसे उसके खिलाफ चपत लगाई एक भारी अमाउंट की तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप कानून से ऊपर तो नहीं है जब कानून उसको यह अधिकार दे रहा है करने के लिए तो आप कानून के ऊपर तो नहीं आते कानून के खिलाफ जाकर तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि भाई जो अगर कानून ने सामने वाले को अधिकार दिया है वो किस स्थिति में उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है किस स्थिति में वो अपने उस अधिकार को एनफोर्स कर सकता है यानी कि कोर्ट जा सकता है आपके आप कानून के ऊपर नहीं हो कानून ही सबसे ऊपर है तो कानून ने ये बोला है कि बस एक्सेप्टेंस से पहले पहले आपको अपना ऑफर जो है वो रिवोक करना है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राजेंद्र कुमार वर्मा के फेवर में ही डिसीजन दिया वो ये था कि जो उसने अपने द्वारा दी गई निविदा में जो कोटेशन था जो निविदा था ऑफर था उसे उसने वापस ले लिया विड्रॉ कर लिया तो उसने कोई गलत काम नहीं किया जो विड्रॉल ऑफ ऑफर या विड्रॉल ऑफ टेंडर था उसके अनुसार वो बिल्कुल सही था और कानून के दायरे के अंतर्गत ही था बल्कि जो सरकार ने किया वो कानून के दायरे के आगे था खिलाफ था एक और केस है विड्रॉल के ऊपर बल्कि मैं ये कहूंगी विड्रॉल के ऊपर नहीं ये केस भी जो है टेंडर के ऊपर डील करता है देखते हैं ये क्या कहता है कन्हैया लाल अग्रवाल बनाम भारत संघ ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस है। पचहत्तर क्यूबिक मीटर मशीन क्रश ट्रैक गिट्टी की आपूर्ति वितरण और स्टैकिंग सहित काम की पांच मदों के निष्पादन और इसे रेलवे वैगनों में लोड करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्यूबिक मीटर बैलास्ट बो जो जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है उन्हें में उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो उस ट्रैक की सप्लाई, डिलीवरी, लोडिंग, ये सारी चीजें पांच तरीके के डिफरेंट डिफरेंट काम जो है इन कार्यों की पूर्ति के लिए टेंडर मंगवाए गए आपूर्ति की अवधि 24 महीने के लिए थी यानी कि 24 मंथ्स के लिए थी निविदाकर्ता को निविदा खोलने की तारीख से न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव खुला रखना था यानी कि टेंडर्स आमंत्रित किए गए सबने जो जो भी पार्टी जिनका जो भी इंटरेस्टेड थे उन्होंने अपने टेंडर सबमिट किए अब उनके टेंडर खुले उसके बाद उनमें से उन, डिसाइड किया जाए कि किसको ये टेंडर जाएगा कम से कम टेंडर खुलने के 90 दिन का टाइम कम से कम था कि आपको वेट करना है अपना टेंडर सबमिट करने के बाद आपको कम से कम से 90 दिन तक जो है है वो वेट करना है टेंडर खुलने के बाद तब तक आप अपना टेंडर वापस नहीं ले सकते वो 90 दिन तक टेंडर आपको खोल के रखना है अपना ऑफर जो है ओपन रखना है की अवधि के लिए प्रस्ताव खुला रखना था शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप स्वत ही प्रतिभूति जमा राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करने की कंडीशन थी यानी कि 90 दिन तक अपना ऑफर आपको खुला रखना ही है और उन 90 दिन के दौरान या 90 दिन के बाद जैसे भी आपको एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी उसकी सूचना दे दी जाएगी अब पांच निविदाएं प्राप्त हुई यानी कि पांच फाइव टेंडर्स सबमिट हुए अपीलकर्ता यानी कि जो एपिलेंट है यहाँ पर हमारे कन्हैया लाल अग्रवाल जी उन्होंने एक कवरिंग लेटर के साथ अपना टेंडर सबमिट किया अब उनका जो कवरिंग लेटर था जो पत्र उन्होंने साथ में लगा के अटैच किया अपने टेंडर के साथ उसमें उन्होंने ये एक काम किया उन्होंने ये लिखा कि अगर उनका प्रस्ताव निर्धारित समय के भीतर स्वीकार किया जाता यानी कि 90 से कम दिनों में

जो रिस्पोंडेंट नंबर पांच थे ने इसी तरह की पेशकश की यानी कि उन्होंने भी रिबेट ऑफर किया कि आप अगर मेरा टेंडर एक्सेप्ट कर दे तो मैं भी आपको छूट दूंगा डिस्काउंट दूंगा रिबेट दूंगा लेकिन एक अंतर था कि जो कन्हैया लाल अग्रवाल जी हैं उन्होंने जो ये छूट की छूट का जो प्रस्ताव दिया वो उन्होंने अपने टेंडर के साथ ही दिया जब टेंडर सबमिट किया उसके साथ ही वो दिया पर जो ये व्यक्ति थे ये सज्जन थे प्रतिवादी नंबर पांच इन्होंने निविदा खोलने के पांच दिनों के बाद यानी कि जब सारे टेंडर्स खुल गए अभी एक्सेप्टेंस नहीं कम्युनिकेट हुई लेकिन सारे टेंडर्स खुल गए हैं उसके पांच दिनों के पश्चात उन्होंने ये छूट देने की जो पेशकश है वो रखी प्रस्ताव रखा जबकि अपीलकर्ता ने निविदा दस्तावेजों के साथ पत्र में निविदा बनाने के समय छूट की ऐसी पेशकश की थी तो दोनों के बीच में ये दोनों के करनी में यही अंतर था एक ने टेंडर के साथ साथ अपना जो था ऑफर रख दिया रिबेट का और दूसरे ने टेंडर के साथ साथ जो अपना ऑफर दिया रिबेट का वो दिया टेंडर खुलने के पांच दिन बाद अब हाँ जो प्रतिवादी नंबर पांच थे जो इनिशियल कोटेशन था जो उन्होंने अपने टेंडर में दिया था वो सबसे कम था कन्हैया लाल अग्रवाल जी से भी कम पर नया लाल अग्रवाल जी ने जो रिबेट, जो रिबेट छूट का प्रस्ताव रखा अगर वो लगा दिया जाए तो उनका जो कोटेशन था वो कम हो जाता ठीक है? पर हम आगे देखते हैं क्या हुआ इस मामले में विचार के लिए प्रश्न ये था यानी कि इश्यू अंडर कंसिडरेशन यह था कि क्या अपीलकर्ता द्वारा छूट के साथ पेश की गई निविदा को स्वीकार किया जा सकता था यानी कि क्योंकि कन्हैया लाल अग्रवाल जी ने जो रेलवे को जो टेंडर अपना सबमिट किया था पहले वो एक्सेप्ट हो गया था पर आगे मामला कोर्ट में गया क्योंकि ये रिस्पॉन्डेंट नंबर फाइव जो थे प्रतिवादी नंबर पांच जो थे ये कोर्ट चले गए इन्होंने ये बोला कि भाई मेरा तो सबसे कम कोटेशन था तो फिर भी मेरा टेंडर कैसे एक्सेप्ट नहीं हुआ और इन्होंने तो छूट आ, साथ में दी मैंने भी दी थी तो मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए था इनका जो एक्सेप्ट हुआ गलत है तो इनका टेंडर को साइड में रखा जाए और अब आगे मेरा टेंडर जो है एक्सेप्ट किया जाए इन्होंने जितना काम कर लिया कर लिया अब मेरा मैं मेरा टेंडर एक्सेप्ट कीजिए मैं करूंगा बाकी का काम तो आ, अब प्रश्न ये था कि जो अपीलकर्ता द्वारा छूट के साथ पेश की गई निविदा को स्वीकार किया, किया जो गया क्या वो सही था या गलत और क्या इस तरह की स्वीकृति किसी अन्य पक्ष के हितों को प्रभावित करेगी यानी कि अगर मैं रिबेट ऑफर करूं कि भाई अगर आपने मेरा टेंडर जल्दी एक्सेप्ट कर लिया तो मैं आपको इतनी और छूट दूंगा और तो क्या ये बाकी के हितों के खिलाफ जाता है क्या उनके क्या उनका जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है इससे ये कोर्ट को डिसाइड करना था इन पे कोर्ट को इन प्रश्नों पे कोर्ट को निर्णय लेना था न्यायालय ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दी गई रियायत या छूट उपकरण में निविदाकर्ता द्वारा किए गए निवेश पर यानी कि इन्वेस्टमेंट पर उचित रिटर्न प्राप्त करने और श्रम को लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रखने के लिए प्रस्ताव को शीघ्रता से स्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त प्रलोभन है जो वाणिज्यिक विवेक का हिस्सा है यानी कि जो उसने किया लाल अग्रवाल ने अगर उसने कोई छूट या उसने कोई रियायत की गुंजाइश की प्रस्ताव रखा तो उसने कुछ गलत काम नहीं किया क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति जो बिजनेस करता है बिजनेसमैन है कोई भी समझदार जो सौदा करता है वो हमेशा इस चीज का यह ध्यान रखेगा कि उसकी जो लेबर है जो व्यक्ति उसके लिए काम कर रहे क्योंकि वो उन लेबर, लेबर को हर दिन के हिसाब से पैसे देता है वेज देता है तो उनकी वो लेबर जो है खाली बैठी हुई है और दूसरा जो भी उन्होंने मशीने जो भी उनके सारे जो भी इक्विपमेंट है वो सारे कोई काम नहीं आ रहे खाली बैठे हुए हैं क्यूं? क्यों क्योंकि भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कि जब भी उनके दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति होगी तब काम शुरू होगा तो तब तक खाली बैठना है तो कोर्ट ने बोला ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने अपना बिजनेस माइंड लगाकर ऐसा कर दिया कि उन्होंने सामने वाले को ये छूट का प्रस्ताव दे दिया तो उन्होंने क्या गलत किया है आगे यह माना गया कि अपीलकर्ता ने जो पेशकश की वह निविदा का हिस्सा था जबकि प्रतिवादी नंबर पांच ने अलग से और बहुत बाद में इस तरह की पेशकश की थी अपीलकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करने में रेलवे प्रशासन की ओर से कुछ भी अवैध या मनमाना इलीगल और आर्बिट्ररी नहीं था जो निविदा प्रस्तुत करने के समय ही किया गया था तो लाल अग्रवाल के पक्ष में ही कोर्ट का डिसीजन आया अब एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है सशर्त स्वीकृति यानी कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस आमतौर पे ऑफर हुआ और जिस पार्टी को ऑफर दिया गया उस पार्टी ने ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया अब हम कह रहे हैं कि भाई ये तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है अब इस सशर्त स्वीकृति का मतलब है कि स्वीकृति को अंतिम रूप देने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है हरिद्वार सिंह बनाम बगुन सुमरुई बिहार सर जिसमें बिहार सरकार ने वन विभाग बिहार सरकार के वन विभाग ने एक पब्लिक ऑक्शन के बारे में विज्ञापन दिया इश्तेहार दिया जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा बैंबू के वृक्षों विक्ष, को हटाने के लिए आ, टेंडर ऑक्शन रखी गई अपील करता टेंडर ऑक्शन रखी गई ये प्लीज ध्यान रखिएगा अपीलकर्ता के प्रस्ताव को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था यानी कि प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया कंडीशनली एक्सेप्ट किया गया क्योंकि जिस व्यक्ति ने नीलामी रखी वह व्यक्ति उसके पास अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि वो जो जिसे कहते हैं ना ऑक्शन में नीलामी में बेस प्राइस यानी कि इससे कम जो अमाउंट है जो पैसा है वो नहीं बोली नहीं एक्सेप्ट की जाएगी ये या इससे ज्यादा ही होनी चाहिए तो इस व्यक्ति ने जो हरिद्वार सिंह जी थे जो यहाँ पर जिन्होंने बोली दी जिनकी सबसे ज्यादा बोली थी वो बोली नब्बे बयानवे हजार की थी नाइन्टी टू थाउजेंड बयानवे हजार की बोली थी जो कि पचानवे हजार से कम थी तो जिन्होंने नीलामी करी उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वह नब्बे हजार की बोली को एक्सेप्ट कर ले और उन्हीं को वो आ, ये राइट दे दे कि वो बैम्बू के वृक्ष वहां से हटा सके तो हुआ ये कि कंडीशनली एक्सेप्ट किया गया उनकी बोली को ये बोला गया कि सरकार से बातचीत के बाद जो सरकार फैसला लेगी तब देखा जाएगा कि ये जो उक्षन, जो ऑक्शन ऑक्शन है में आपकी लगाई गई बिड है क्या उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं अभी तो जिसने नीलामी करी उसने नाइनटी टू थाउजेंड का बिड एक्सेप्ट किया क्योंकि सबसे ज्यादा था पर कंडीशनली एक्सेप्ट किया फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है क्यों क्योंकि अभी तक एक अथॉरिटी जो सरकार के पास है जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक ये फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं होगा फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आज हमने जो यही डिस्कस किया है कि फॉर्मेशन ऑफ अग्रीमेंट में कुछ टेंडर और ऑक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं